भाई जिस लेक पे अभी हम बोटिंग करके पे आए हैं वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको व्यू, किस साइड में थे हम लोग। हम लोग गाइस थे वहाँ पे उस वाले वहाँ पे कट पे करियो सर। मजे ले रहे तुम सर उपेश भाई। भाई रूपेश भाई देख रहे हैं तगड़े रिएक्शन पब्लिक के साथ। हर हर महादेव। देख सकते हैं आप लोग ये गाइस भाई साहब अल्टीमेट है। इस साइड में माउंटेन एकदम स्पष्ट क्लीन दिखता है, अभी मौसम खराब होने की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। और मैं आप लोगों को फोटो के जरिए से दिखा देता हूँ, भाई के स्टूडियो में कुछ फोटो लगी हुई है जो कि माउंटेन क्लियर दिखाई देता है, जैसे कि ये है यहाँ पे है और भी काफी सारी फोटोज है। रूपेश भाई के साथ फन कर रहे हैं काफी, और ये बन्नी के साथ ज्यादा हो रहा है यहाँ पे क्योंकि बन्नी एक अल्टीमेट व्यू देता है। और ये सभी लोगों का थैंक यू ओके हैप्पी जर्नी। आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं नेपाल में जो बहुत बड़ी सिटी है पोखरा, पोखरा के जो पैलेस है टूरिस्ट पैलेस वहाँ पे घूमने जाएंगे। तो आज बन्नी से रिएक्शन लेंगे यहाँ पोखरा के बाहर, इसके साथ हम आज घूमेंगे पोखरा के जो टूरिस्ट पैलेस है। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करते क्योंकि काफ़ी लेट हो गए पहले से ही। यहाँ पे ऊपर शिव टेंपल है भाई, बड़ा टेंपल है और भाई खड़ी चढ़ाई है, चढ़ाई देख सकते हैं बहुत ही डेंजरस रास्ता है भाई, देख रहे हैं ना बाइक की हालत क्या हो रखी है। और ऊपर से भाई व्यू बहुत ही तगड़ा आने वाला है क्योंकि सारा ये जो पोखरा है ना, पोखरा सारा दिखाई दे रहा है, सारे घर बिल्डिंग। और भाई टर्न देख सकते हो कितने हैवी टर्न है। और भाई आगे साइकिलिंग करते हुए साइकिल से जा रहे हैं लोग। तो गाइस ऊपर जाके ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आने वाले हो भाई, सामने देख सकते हैं। भाई ये पैदल जा रहे हैं, पैदल कैसे पॉसिबल है वो भी चढ़ाई चढ़ना, अपने तो बस की नहीं है गाइस, हम तो ऊपर मंदिर पे बाइक से ही जाएंगे। और भाई खड़ी चढ़ाई है देख सकते हैं, अगर बंद हो गई देखो भाई गाइस क्या तगड़ा व्यू है। कोटी रेस्टोरेंट देख रहे हैं ना भाई, इंजन इतने में ही गर्म हो गया, हीट पकड़ गया भाई, खड़ी चढ़ाई है। टर्न बहुत ही हैवी टर्न है यहाँ पे भाई, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे घूमने के बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। भाई गाइस देख सकते हैं भाई, पहले इधर भी देख लूँ पता पड़ा कोई चिपकागा, देखी यही तो यही नाजिम नहीं, आप उनको ऊपर जाना है ऊपर, पर इतना ऊपर नहीं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है भाई ऊपर जाके ना, माउंट एवरेस्ट दिखाई देता है, माउंट एवरेस्ट का व्यू दिखाई देगा वहाँ से, बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू आएगा। बूला बाबा बूला चिल्ड्रन गार्डन गार्डन एकेडमी। भाई जैसे कि हम लोग देहरादून घूमते हैं, देहरादून पे इतनी खड़ी चढ़ाई काफ़ी कम जगह पे है, और टर्न भी देख सकते हैं कितने हैवी टर्न है यहाँ पे। यहाँ पे तो ये धन्नोई सेक्सेज हैं भैया, 800 एल्टो 800 दुनिया भरेगी,
नेता गाड़ी है भैया, ये नेता गाड़ी कौन सी है? भाई यहाँ तो इंजन बोल जाएगा, कहाँ बात है भैया, लोड मान नहीं है कतई जहर वालो। और भाई दोपहर के बज चुके हैं दो, और ऊपर की तरफ देखो आते जा रहे, वो हाईवे है, बीच में हाईवे है, वहाँ से हम लोग आए हैं। भाई साहब प्यावा तुंगनाथ जैसा नज़ारा देखने के लिए मिलने वाला है। वहाँ पे तो खैर पहाड़ ही पहाड़ थे, बट यहाँ पे तो एक अल्टीमेट व्यू आने वाला, अजीब सा जैसे बोलते हैं ना, सबसे ऊपर हम उसके बाद नीचे बस्ती बसी हुई हो, ऐसे ही व्यू आने वाला है ऊपर से। और ये देखो हम आ चुके हैं, अभी वहाँ तक पहुँचने में इतने टर्न होंगे, इतनी जगह पे इधर उधर जाना आना होगा ना, देखना कितना दूर। अभी यहाँ से तो बैक साइड दिख रही है, बट रोड टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के हैं तो अभी टाइम लग जाएगा। भाई साहब बड़े ख़तरनाक रास्ता है, इतना ख़तरनाक रास्ता भैया। लेकिन भाई खाना खा के ना अब मज़ा आ गया भाई, पेट भर गया एकदम फुल, फैंटास्टिक फुल्ली। हर हर बोले घर घर बोले, इसमें ये 800 भैया बड़ा दिक्कत कर रही है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना मेरी जान। और ये जितनी भी चल रही है ना, बताओ हमारे यहाँ पे मॉडल पुराने हो गए, और ये 800 चल रही है ना यहाँ पे टैक्सी में चल रही है गाइस, टैक्सी। ये देखो भाई साहब अजब गजब के नज़ारे। भाई साहब यार ये कर क्या रहे हैं मालिक हमको निकलने का। एक झटके में निकल गया, अरे बाबा बिड़ू लोग, कितना खतरनाक रास्ता है, नीचे सीधे ट्रैक्टर लेके पहुंच जाओ भाई। दूसरे में चलेगी आना, चल रही तीसरे में, चढ़ाई इतनी तगड़ी है भाई, कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं है गाइस। ये ले पूरी बाजू मोड़ दी, ड्राइवर बड़े हैवी होते हैं भाई यहाँ के, और हमारे उत्तराखंड के हरियाणा के भाई ड्राइवरों की बात ही अलग है, बड़े कैड़े ड्राइवर होते, तगड़े वाले भाई, तगड़े ड्राइवर नहीं होंगे ऐसे रास्तों पे स्पीड में लेके गाड़ी चलते हैं वो लोग। आयुर्वेदा ये क्या है, यहीं पे तो है, माउंटेन व्यू कैफे एंड हैप्पी सिंह। और देखो गाइस वहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है, आगे से जाएंगे हम लोग अभी। तो गाइस हम लोग आगे की तरफ आए, और भाई लेक जो मैं आपको बता रहा था, हम लोग ऊपर आ रहे जिस लेक के पास अभी हम लोग बोटिंग करके आए हैं ना, तो वो पीछे की तरफ है, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको व्यू, किस साइड में थे हम लोग। हम लोग गाइस थे वहाँ पे उस वाले वहाँ पे कट पे, और वहाँ से होते हुए इधर से अभी ऊपर की तरफ आए हैं। ऊपर पीछे की तरफ जो टेंपल है वहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले हम अपने भोले बाबा से मिलेंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और गाइस ऊपर बैठे हमारे महादेव, हर हर महादेव, ये देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो गाइस बहुत ही बड़ा ये देखो लेक, कितना तगड़ा लेक है, और ये बस्ती बसी हुई है भाई, शहर बस्ती बता रहे हो, ये शहर है अमन का, अमन का। एक वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग, वहाँ पे ऊपर की तरफ। और माउंट एवरेस्ट अभी ढका हुआ है भाई, दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ से अल्टीमेट व्यू आ रहा है, वो व्यू पॉइंट है, और ऊपर महादेव बाबा बैठे हुए हैं, वहाँ पे पहले दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ।
ये देखे ही बैक गियर में जा रही है स्पीड में टॉप पे। ओ भाई साहब खड़ी चढ़ाई है, एकदम कतई खड़ी चढ़ाई। रोड भी काफ़ी चल रहा है ये, पता है। हाँ तुम चले आओ जरूर जुल्फिकार, यहीं आएगा हमारी बाइक के आगे। रूपेश भाई सुन, हो गए खाना खा गए भाई? टर्न बड़े डेंजरस हैं, डेंजरस देख सकते हैं भाई, कितने डेंजर डेंजर है भाई। ऊंचाई तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है ये, जब बताते हैं आगे चाइना बॉर्डर पड़ जाएगा वहाँ पे मस्तांग से 100-200 किलोमीटर दूर, तब भी काफ़ी ऊंचाई मान लो यहाँ पे भाई। वैसे भी नेपाल तो ऊँचे पर है ही अपने इधर से। स्कूल वगैरह हैं यहाँ पे भाई साहब, ये लोग आ गए का। बिल्कुल रोक के ये रहा ना, पुदुमकोट शिवा, पुंडीकोट शिवा टेंपल। जय श्री शंभू, भोले बाबा ने हमें बहुत जगह बुलाया है, हर जगह बुला लेते हैं। देखो गाइस बहुत तगड़ी चढ़ाई है यार यहाँ तो। निकालो आप पीछे करो, करियो सर। मजे ले रहे तुम सर रूपेश भाई? भाई रूपेश भाई देख रहे हैं तगड़े रिएक्शन पब्लिक के साथ। तो गाइस गाड़ी पार्क कर दिए बाइक, गाइस गाड़ी पार्किंग में लगा दी और आगे देख सकते हैं हिंदू भाई लेक। अलग से अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ से बहुत ही ऊंची चढ़ाई थी भाई, यहाँ पे ना 4x4 होनी चाहिए भाई। देख सकते हैं भाई यहाँ पे अल्टीमेट व्यू आ रहा है, और भाई भोले बाबा का मंदिर ये रहा, और उधर देखो माता रानी की लक्ष्मी माँ का मंदिर है। और भाई थोड़ी देर में अभी पास में ले चलते हैं उधर की तरफ, और चलते हैं। और इसका पार्किंग है 20 रुपीज़। चलो कोई नहीं, भाई को पार्किंग देते हैं।
पार्किंग के पर्ची कटवा ली है रुपेश भाई ने। ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई, अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से, देख सकते हैं ये लेक है वही आगे की तरफ जहाँ पे हमने बोटिंग की थी, और इधर खाली पड़ा ये, उधर की तरफ गहरा है। और भाई साहब चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं आप लोग, जिसको बोलते हैं ना भाई कैड़ी चीज़, और वो कैड़ी चीज़ देखने के लिए मिली यहाँ पे नेपाल में आके गाइस। तो पीछे की तरफ अल्टीमेट व्यू, ऊपर अभी चलते हैं। हर हर महादेव। तो गाइस इस रेम वॉक के थ्रू हम लोग ऊपर की तरफ आए, और यहाँ से गेट है भाई साहब। जय श्री शंभु, हर हर महादेव। चलते हैं अब सीढ़ी के थ्रू, और अब सीढ़ी के द्वारा हम जाएंगे, रेम वॉक से नहीं जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ना 3-4 दिन हो गए राइडिंग करते करते चलते चलते, और रेस्ट भी नहीं मिला इतना, तो थकान ज़्यादा हो रही है। तो गाइस ऊपर की तरफ आ गए हैं, और अभी पहले दर्शन करते हैं उसके बाद व्लॉग शूट करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं मंदिर में अंदर की तरफ, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं बाद में। गाइस देख सकते हैं भाई नंदी महाराज, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं पब्लिक भाई, नंदी महाराज इतने बड़े। हर हर महादेव। इस मंदिर पे आए हैं ना भाई साहब, इस साइड से देखो ये शिवलिंग, चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग है, ऊपर भी है, और ये शिवलिंग का जलाभिषेक हो रहा है यहाँ पे, बड़ा सा शिवलिंग है। और देख सकते हैं क्या कलाकारी है भाई नंदी महाराज, चारों तरफ का मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और भाई यहाँ पे ना सबसे बड़ी जो कला है भाई, ऐसा मैंने पहली बार देखा है, ये जो खम्भों पर ना सांपों को मतलब दिखा रखा है अलग, देख सकते हैं आप लोग ये गाइस, भाई साहब अल्टीमेट है, देख रहे हैं ना आप लोग। ये गणेश जी की मूर्ति है, और ये शिवलिंग है यहाँ पे, जय श्री गणेश। और गाइस देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, चलो आप लोगों को अंदर की तरफ दिखाते हैं। हर हर महादेव। और ये शिवलिंग देख सकते हैं चारों तरफ पास पास से लगे हुए हैं मंदिर के आसपास। औसम भाई लग रहा है यहाँ पे तो भाई साहब, ये जब अभी तो कंप्लीट होने वाला है, काम चल ही रहा है भाई, कंप्लीट हो जाएगा तो और अलग ही दिखेगा। और डमरू देख सकते हैं इतना बड़ा डमरू पीछे की तरफ ये है। ओ गाइस भाई ये चारों तरफ ये शिवलिंग लगे हुए हैं, डमरू देखो कितना बड़ा है डमरू, भोले बाबा की तो महिमा ही अपरंपार है। और वो व्हाइट वाला स्पूत छूट गया है, अभी वहां पे जाएंगे ना, वहीं से हम लोग आए थे, वो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और गाइस अब नीचे की तरफ से चलते हैं डमरू की तरफ भाई, यहाँ से व्यू जो आ रहा ना ये देखो, और ये पूरा शहर बसा हुआ है इधर, काफी ऊंचाई पे हैं हम लोग, देख सकते हैं आप लोग। और इधर लेक की तरफ देख चलते हैं आपको, डमरू देखो भाई गाइस ऊपर की तरफ भी है। और गाइस इस मंदिर की बात करें तो इतनी ऊंचाई पे है भाई, यहाँ से सारा शहर दिख रहा है, ये पूरा पोखरा शहर दिख रहा है यहाँ से, ये देखो इधर की तरफ ये लेक है इस साइड में, और इस साइड पूरा ये शहर बसा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखो रुपेश भाई अपने हेलमेट के साथ उन लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, नहीं गलत कह गया हूँ,
ये लोग रुपेश भाई के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और भाई अब चलने का टाइम हो रहा है क्योंकि अभी आगे काफ़ी जगह घूमना है हमें, तो चलो। तो गाइस हम लोग यहाँ पे ना डमरू पीछे बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा और आए हुए अभी टाइम हो गया, थोड़ा सा घूम लिए हैं। यहाँ का व्यू जो है ना भाई अल्टीमेट व्यू आ रहा है। और अगर नेपाल राइड करते हैं तो पोखरा में भाई काफ़ी सारी जगह ऐसी ऐसी हैं घूमने की भाई, बहुत ही तगड़ी जगह, जो कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सब वही आप लोगों को दिखा दूंगा कि हाँ कौन कौन सी जगह हैं। तो आप लोग आना चाहते हैं तो इन जगह को मिस ना करें, अगर ये जगह मिस होती है तो भाई बहुत ही बड़ी चीज़ मिस करेंगे अब नेपाल राइड में। और ये दिखा देता हूँ मैं अभी से। चेक करो भाई ये ना, ये जगह मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस कर दिया यहाँ पे आने से। इसीलिए हम लोग पोखरा का लोकल जो भी सारे टेंपल्स वगैरह हैं और भी काफ़ी सारी जगह हैं वो सारी कवर कर रहे हैं इस बार, और अपर और लोअर मस्टांग इस बार कैंसिल कर रहे हैं, अभी वहाँ नहीं जाएंगे। तो इससे ये होगा कि पोखरा और बाकी की और जगह काठमांडू वगैरह ये सब हम लोग घूम लेंगे। तो भाई देख सकते हैं भाई आगे पीछे दोनों तरफ काफ़ी बड़ी भोले बाबा की मूर्ति है, और अभी ये ना निर्माण चल रहा है, अभी यहाँ से ये बंद कर रखा है। और भाई जब चालू हो जाएगा ना तो यहाँ का व्यू बहुत ही तगड़ा आएगा, क्योंकि हम लोग फिर ऊपर जा सकते हैं ऊपर की तरफ दर्शन करने और ऊपर से व्यू देखने के लिए अल्टीमेट व्यू दिखाई देगा। और गाइस चेक करो ये देखो, नंदी बाबा से तो मुझे बहुत ही प्यार है, बहुत। ये देखो नंदी बाबा, तो गाइस हमें जो वीडियो शूट वगैरह करना था और फ़ोटो वगैरह करनी थी वो भी कर चुके हैं यहाँ पे, और हमें टाइम भी हो गया भाई साहब। यहाँ पे आकर ना इतना सुकून मिला है दिल को, पूछो मत कितना सुकून मिला भाई। ऐसे हम तुंगनाथ गए थे ना, तुंगनाथ मंदिर गए थे जैसे वैसे, पर वहाँ पे कुछ अल्टीमेट ही था भाई। मैं फिर भी कहूँगा भले यहाँ पे अच्छा लग रहा हो बट बाबा तुंगनाथ के दर्शन और केदारनाथ के दर्शन वहाँ पे कुछ अलग ही था। वहाँ पे एनर्जी अलग शक्तियाँ महसूस हो रही थी, और यहाँ पे इतना नहीं हो रहा है बट यहाँ पे मतलब मॉडलिंग के हिसाब से नए ज़माने के हिसाब से मंदिर थोड़ा अट्रैक्टिव कर रखा है, बट ऐसा नहीं है कि जैसा आपने यहाँ पे वैसे तुंगनाथ मंदिर बाबा केदारनाथ का मंदिर है ऐसा नहीं है। आपके लिए जरूर लेके आए, बहुत अच्छा। तो भाई बन्नी देख रहे हैं भाई लोग, बहुत अच्छा है भाई, अच्छा लगा यहाँ पे मिलके लोगों से। तो गाइस यहाँ पे ना बन्नी का बहुत ही क्रेज है भाई, बन्नी के साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी इन भाई ने खिंचवाया था और अभी ये लाली खिंचवा रही है, और ये हमारे नए दोस्त यहाँ से। आप लोग कहाँ से? नेपाल से। हाँ तो भाई हमें लोकल यहाँ से फ्रेंड्स मिले हैं, और भाई बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं यहाँ पे नेपाल में आए हुए हम लोगों से। जैसे इंडिया से जो भी आते हैं बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते हैं नेपाल में, सभी लोग बहुत प्यार मिलता है। आई लव नेपाल भाई। और मंदिर की बात करें तो मंदिर बहुत ही अल्टीमेट मंदिर है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पे है, और यहाँ से सारा पोखरा शहर दिखाई देता है, और लेक जो जहाँ पे हमने पिछला व्लॉग दिखाया वो लेक भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो भाई कहाँ पे? फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा था। तो भाई इन्होंने कल वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उस वीडियो को इन लोगों ने देखा था, कल बता रहे हैं ये लोग हमारी वीडियो को देखा था इन्होंने, और भाई बहुत ही अच्छा लगा हमें इन भाइयों से मिलके, भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस ये जो भाई मिले हैं ना उनका यहाँ पे स्टूडियो है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से इस साइड में, किस साइड दिखता है? इस साइड दिखता है। इस साइड में माउंटेन एकदम स्पष्ट क्लीन दिखता है, अभी मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आप लोगों को फ़ोटो के जरिए से दिखा देता हूँ भाई के स्टूडियो में कुछ फ़ोटो लगी हुई हैं जो कि माउंटेन क्लियर दिखाई देता है, जैसे कि ये है यहाँ पे है, और भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, फोटोग्राफी काफी अच्छी करते हैं। और ये यहाँ पे एडिटर हैं, यहाँ पे इन भाई के फोटो एडिट वगैरह यहाँ पे करके तुरंत निकाल के देते हैं। और ये भाई लोग हैं यहाँ पे जिनका स्टूडियो है,
इंडिया से आया हम हमारे दोस्तों से सलाम कर नेपाल में यहाँ पे जहाँ बहुत अच्छा प्यार मिला नेपाल से, बहुत ख्याल रखा भाई हमारा नेपाल में आके। और नेक्स्ट टाइम राइड जल्दी होगी हमारी नेपाल की, फिर से एक बार दोबारा से हम नेपाल जल्दी आएंगे। और भाई लोग भाइयों से जरूर मिलेंगे, इस बार मस्तान हम नहीं गए, मस्तान साथ में जाएंगे हम लोग, साथ में एक साथ राइड करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी फोटो खींच दो करना मुस्तांग में, साथ में राइड करेंगे एक साथ। तो भाई हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो जब तक देखना अपनी YouTube फैमिली काफी बड़ी हो चुकी होगी, बड़ी हो चुकी है और बड़ी सी जाएंगे, यानी मस्तांग जाएंगे, मस्तांग जाएंगे सब लोग, भाई लोग घुमाएंगे हमें अच्छी तरह से, अच्छी तरह घुमाएंगे हम लोग। भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। तो भाई अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें मंदिर के पास यहाँ पे रुके हुए, और अब चलने का टाइम होता है। और नेक्स्ट में आगे वहाँ पे मंदिर है एक, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और वहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आए हैं शिव टेंपल पीछे की तरफ, और आगे माता लक्ष्मी का मंदिर है और वहाँ पर चलते हैं। और यहाँ से हम लोग आए थे, और पीछे की तरफ इधर रास्ता है, जस्ट सामने भोले बाबा के मंदिर के सामने ही माता लक्ष्मी का मंदिर है। तो अभी चलते हैं उधर की तरफ और ऊपर की तरफ ही आपको दिखाते हैं। इस मंदिर के पास आ गए, माता लक्ष्मी का मंदिर है। भाई बहुत ही ज़्यादा थक गया ऊपर आते आते। जय माँ लक्ष्मी। भाई पीछे की तरफ कुछ फ़ोटो शूट के लिए अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं, अभी वहाँ चलेंगे। वो देख सकते हैं सामने मंदिर है भोले बाबा का, और यहाँ से सारा शहर दिखाई देता है। गाइस देख सकते हैं यहाँ से पीछे की तरफ माता रानी का मंदिर है, और ये कार्तिकेय महाराज का। जय कार्तिकेय। तो गाइस माता लक्ष्मी के पीछे ये जो पॉइंट हैं सेल्फी और फोटो के लिए, ये पेड़ है, और हमारे पास टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं भाई, थोड़ा फ्री होता तो एक बार को सोचते भी, बट पेड़ है और टाइम तो है ही नहीं। फिर निकलते हैं आगे की तरफ राइड पे, और इसका ऑफिस में दिखा देता हूँ आपको। ये वायरिंग कर रखी है ना अंदर से यहाँ से होते हुए, और यहाँ पे पास में ही ऑफिस है, यहाँ से इनकी पर्ची वर्ची कटेगी, फिर ऊपर जाते हैं टिकट काउंटर। ये रहा टिकट काउंटर, वहाँ पे ऊपर उन व्यू पॉइंट के फ़ोटो शूट और वीडियो शूट के लिए जाने के लिए। हाँ ये रहा ड्रीम सिटी पुमड़ी, और यहाँ पे नाम है ड्रीम सिटी पुमड़ी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी ये जो यहाँ पर काउंटर है और इनकी लोकेशन है जो। तो भाई यहाँ पे बन्नी का कुछ ज़्यादा ही क्रेज बढ़ता हुआ, और रूपेश भाई के साथ फ़ोटो होते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो रहा है बन्नी का। भाई बन्नी के पब्लिक रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन है भाई। और भाई मंदिर के पास हम लोग आ रहे थे, तभी ये बच्चे यहाँ पे आए घूमने के लिए, और यहाँ पे रूपेश भाई के साथ फ़न कर रहे हैं काफ़ी, और ये बन्नी के साथ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बन्नी एक अल्टीमेट व्यू देता है। और ये सभी लोगों का थैंक यू। ओके ओके, हैप्पी जर्नी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले व्लॉग सारे आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलें। और आप लोग देखते रहिए द यूपी सोले राइडर हमारे इस चैनल को, और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।